Welcome student, you all are here with me and today we are going to discuss remaining questions from exercise 3.3. So, सबसे पहले बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ जो कि क्या था, तो प्रूव दैट। और प्रूव किसे करना था बेटा, tan x plus cot x is equal to 2 times of cosec 2x। बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही सुंदर और उतना ही सरल ये क्वेश्चन है। इसकी LHS लिख लेते। So LHS in the form of tan x plus cot x। फिर ध्यान में आया कि tan x तो रेशियो है किसका, तो sin x upon cos x का, तो इसे लिख लिया sin x upon cos x। पूरी फॉर्मूले पे दुनिया चल रही है इसकी, बिना फॉर्मूले के कुछ भी नहीं। फिर cotx का मतलब हुआ cos x upon sin x। फिर सोचे क्यों ना क्रॉस करा के देखे, तो क्रॉस करा लिए, पता चला sin x into sin x sin square x, cos x into cos x cos square x upon कितना, तो cos x into sin x। समझ में आ रहा बेटा, पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स रूल के अनुसार कितना होता है, तो 1 होता है अपॉन कितना, ये पहले साइन एक्स को लिख लेते ताकि ना देखने में बड़ा अच्छा लगे, तो ये बन गया 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अभी याद करो याद करो, देखो जब तक के प्रैक्टिस नहीं करोगे ना ये देखते बराबर क्लिक नहीं होगा। अभी अगर क्लिक हुआ रहता तो आपके ध्यान में आ रहता, यस वी हैविंग द फॉर्मूला 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और ये आंसर देता है साइन ऑफ 2x, देता ना रे बेटा ये ऐसा आंसर। अगर ये आंसर दे सकता है तो इसके पास क्या है जो हमारे पास के स्टेप में नहीं है, तो इसके पास कितना है 2 है, तो हमारे पास के स्टेप को भी 2 देते। पन कैसे कैसे ना, एक को 2 देंगे और एक बिना 2 का चलेगा, तो ये ले मैंने 2 दे दिया। पन अगर बंटवारा जब करता है तो हिस्से बराबर जाने को ना, नहीं तो एक को बुरा लग जाएगा। तो फिर अगर मैंने डिनोमिनेटर को 2 बांटा तो ये हमारी ड्यूटी है कि हमने न्यूमरेटर को भी 2 देना है। फिर याद आया कि 2 sin x into cos x ये तो फॉर्मूला है किसका, तो साइन 2x का। फिर सोचे ये 2 को ऐसे बाजू में रखते, इसको अलग से लेके चलते, तो साइन ऑफ 2x और फिर 2 कीप एज इट इज और 1 अपॉन साइन 2x बनता है कोसेक ऑफ 2x और 2 इंटू कोसेक ऑफ 2x विच इज अवर क्या बनी, तो RHS बनी, वी गेट अवर आंसर। ये था हमारे फिफ्थ का प्रूफ। बढ़ते हैं लगे हाथ क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा फिर से वही दुनियादारी आई कि वही वही टर्म रिपीट हो रही। गौर करोगे तो देखोगे कि जानोगे, ये देखो cos x sin x cos x plus sin x cos x minus sin x cos x minus sin x, है ना सेम सेम टर्म। तो हम लोग एक काम करा लेते, इसे पल भर के लिए छुपा देते और LHS में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते, तो सेम ब्रैकेट्स अगर दो बार मल्टीप्लाई हो जाए तो cos x plus sin x and then its whole square, similarly ये अगर हो जाए तो minus cos x minus sin x and then its whole square, ऐसे बन गया। डिवाइडिंग बाय कितना होगा, तो cos x माइनस साइन x इंटू cos x प्लस साइन x, गेट इट माय पॉइंट बेटा। अभी फर्स्ट ब्रैकेट किसका स्क्वायर करा रहा, तो a प्लस b होल स्क्वायर का, और a प्लस b होल स्क्वायर को आंसर क्या, तो a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, ए कौन बी कौन उसकी तरफ ध्यान दो, प्लस बी स्क्वायर माइनस के साथ रहेगा सेकंड ब्रैकेट,
फॉर्मूला किसका बनाएगा, तो a माइनस बी होल स्क्वायर का, यानी यहाँ पे ये मेरा a और ये मेरा b, तो a माइनस बी होल स्क्वायर के लिए रिजल्ट क्या, cos स्क्वायर x माइनस 2 cos x इनटू sin x एंड प्लस कितना, तो sin स्क्वायर x। अपॉन को गौर करो बेटा, अपॉन में ध्यान में आ रहा कि टर्म सेम है, सिर्फ ये चेंज हुआ, यानी ये तो पैटर्न लेके गया, कौन सा वाला, तो ये वाला a माइनस बी ए प्लस बी, जो कि आंसर क्या देता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर एक्स, बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर एक्स, लिख लिया ऐसा। अभी न्यूमरेटर में और क्या हो सकता उसे देखो, ये पहले टर्म जैसे के वैसे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस टू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और सेकंड जो ब्रैकेट है वो ओपन होगा माइनस के साथ, यानी ये माइनस साइन सबको मिल जाएगी, तो जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस, यानी माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस टू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और अपॉन में हमारे पास बना है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अभी क्या क्या काट छाट हो सकता उसे कट करा लो। सो सबसे पहले प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, सेकंडली प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, बचा क्या, तो टू कॉस एक्स साइन एक्स, टू कॉस एक्स साइन एक्स, कितने बार आया, दो बार आया, लिखेंगे कैसे, टू टाइम्स ऑफ टू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन, ये किसका फॉर्मूला है, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कॉस टू एक्स। देखो रिजल्ट अगर लर्न नहीं रहे तो ये याद ही आते आते बहुत देर लग जाए। न्यूमरेटर आंसर दे रहा साइन टू एक्स का, डिनोमिनेटर में मिला ही है कॉस टू एक्स, और साइन अपॉन कॉस मिला के बन गए टैन टू एक्स, विच इज अवर रिक्वायर्ड राइट हैंड साइन। दीज आर अवर क्वेश्चन नंबर 5 and 6। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से क्वेश्चन में देखो बेटा क्या है, रूट 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 अंदर ही चल रहे, अंदर ही चल रहे कहा तक के, तो तीन रूट जाने के बाद आंसर मांग रहा कि टू कॉस एक्स, तो चलो इसे सॉल्व करते क्वेश्चन नंबर 7 को। नाउ सी दिस इज अवर रिक्वायर्ड लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पे अभी हम लोग क्या क्या करें, फर्स्ट टू कीप एज इट इज, सेकंड रूट ऑफ टू अगेन कीप एज इट इज, एंड फॉर द थर्ड रूट व्हाट इज अ कॉमन, तो टू इज अ कॉमन, ब्रैकेट में क्या रहा, 1 प्लस कॉस ऑफ 8x, इतना कॉमन रहा, फिर से अंडर रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 2, फिर बात आई कि 1 प्लस कॉस ऑफ 8x को क्या लिखेंगे, तो ये फॉर्मूला हमेशा के लिए याद रखना कि 1 प्लस कॉस थीटा आंसर देता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। दिस इज कीप इन द माइंड फॉर द नेक्स्ट 2 weeks कि 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। आपका थीटा कितना चल रहा, तो 8x चल रहा, 8 का आधा कितना हुआ, तो 4 हुआ, यानी आप आंसर क्या दोगे, तो 2 कॉस स्क्वायर 4x आंसर दोगे। नाउ दिस अगेन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 2 इंटू 2 कितना हुआ, तो 4 हुआ, ये बना कॉस स्क्वायर हाउ मच, तो 4x। फिर से हमें रूल पता है, अंडर रूट ऑफ 4 का मतलब कितना, तो 2,
अंडर रूट में अगर स्क्वेयरिंग टर्म आ जाए तो रूट एंड स्क्वेयर गेट कैंसल. सो रूट ऑफ पहला रूट जैसे के वैसा प्लस सेकंड रूट ऑफ जैसे का वैसा और रूट ऑफ फोर का मतलब टू सो प्लस टू और रूट ऑफ कॉस स्क्वेयर का मतलब कॉस ऑफ फोर एक्स. समझे बेटा? सेकंड रूट में से फिर से किसे बाहर भेजोगे? सो सेकंड रूट में से भी टू बाहर हुआ. रूट के बाहर नहीं, सिर्फ बाहर. व्हाट इज इन द टर्म? टर्म में बचा वन प्लस कॉस ऑफ फोर एक्स. फिर से रिजल्ट जैसे का वैसा यूज करो. टू प्लस टू इन अ ब्रैकेट. ये अभी बताया मैंने कि वन प्लस कॉस थीटा टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू. अभी थीटा कितना है? तो फोर एक्स है. फोर एक्स के आधा कितना हुआ? तो टू हुआ. यानी टू कॉस स्क्वायर कितना? तो टू एक्स. फिर से चलिए बेटा. दिस इज अंडर रूट ऑफ टू प्लस अंडर रूट ऑफ क्या है? अगेन इन द रूट ऑफ. तो टू इंटू टू कितना बना? फोर. फिर कॉस स्क्वायर टू एक्स. नाउ दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ टू प्लस. खत्म ही नहीं हो रही कहानी. रूट ऑफ फोर का मतलब हुआ टू. रूट ऑफ कॉस स्क्वायर का मतलब हुआ कॉस ऑफ टू एक्स. फिर से कॉमन निकालो. फिर से कॉमन क्या? तो टू कॉमन. व्हाट इज इन अ ब्रैकेट? वन प्लस कॉस ऑफ टू एक्स. फिर से वन प्लस कॉस थीटा टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू. अभी थीटा कितना? टू एक्स. उसका आधा कितना? तो टू कॉस स्क्वायर एक्स. एंड दिस इज अंडर रूट ऑफ फोर कॉस स्क्वायर एक्स. फिर से वही बेटा. अंडर रूट ऑफ फोर का मतलब कितना? तो अंडर रूट ऑफ फोर का मतलब हुआ टू. रूट ऑफ कॉस स्क्वायर यानी कॉस एक्स. और ये हो गई हमारी रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड. देखिए क्या कुछ टर्म्स लेके. कुछ भी दिव्य नहीं था यहाँ पे. सिर्फ टू को हर एक बार बाहर निकालना था और हर एक बार बाहर निकाले हुए टू के साथ फॉर्मूले को यूज करना था और आंसर्स को लिखने जाना था. बढ़ते हैं नेक्स्ट के तरफ. नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट वैल्यूज आर गिवन. तो बोल रहा ये ऐसा और बोल रहा ये सब कुछ मिला के कितना? तो ये सब कुछ मिला के साइन ऑफ 16 थीटा. चलो बढ़ते हैं बेटा. नाउ दिस इज अवर लेफ्ट हैंड साइड. आप उल्टा पलटा कैसे भी ले सकते हो. अभी ये जो 16 है इसके दो फैक्टर्स दे देते. कैसे? 8 इंटू टू. फिर जैसे का वैसा. साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस टू थीटा इंटू कॉस फोर थीटा एंड इंटू कॉस 8 थीटा. बन गए दो. फिर आगे जाइए. फिर हमें पता चला इतनी जो टर्म. मेरे बोलने के पहले याद आ गया किसी को? यस. टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा फॉर्मूला देता है साइन टू थीटा का. देता है फॉर्मूला. फिर से 8 के फैक्टर्स डाल देते 4 इंटू टू. फिर जैसे बचा कुचा वो लिख लेते. कॉस ऑफ टू थीटा इंटू कॉस ऑफ फोर थीटा इंटू कॉस ऑफ 8 थीटा. गया बेटा ये. इसके बाद आपके ध्यान में आएगा जब यहाँ पे थीटा था तो आंसर डबल होके मिला. यानी आंसर डबल होता है. तो 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा को आंसर क्या? तो साइन ऑफ 4 थीटा. फिर जैसे का वैसा. कॉस ऑफ 4 थीटा इंटू कॉस ऑफ 8 थीटा. फिर से 4 को स्प्लिट अप करा देते यहाँ पे तो कैसे होता? तो 2 इंटू 2 होता. और 2 साइन 4 थीटा का 4 जो है उसका डबल कितना हुआ? तो 2 साइन ऑफ 8 थीटा इंटू कॉस ऑफ 8 थीटा. और फिर अभी 8 का डबल कितना हुआ?
साइन ऑफ 16 थीटा विच इज अवर राइट हैंड साइड। कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं, ये तो आपका हो गया बेटा प्रूफ। कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जिसे आपको याद रखना ही रखना है। डबल करो ट्रिपल करो फॉर्मूले का, जितना हो सके उतना मोल्ड करो, बट यूज द रीजन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ। सो व्हाट एग्जैक्टली इन द क्वेश्चन नंबर 9, साइन 3x अपॉन कॉस x प्लस कॉस 3x अपॉन साइन x। लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर हो गई, क्रॉस करा लिए, इट मीन्स साइन 3x इंटू साइन x प्लस कॉस 3x इंटू कॉस x अपॉन व्हाट इज अपॉन, सो कॉस x इंटू साइन x। न्यूमरेटर के साइड को बदलाते, किसको बदलाते, सिर्फ साइड को, यानी क्या साइड यानी पोजीशन बेटा। cos of 3x into cos x plus sin of 3x into sin x और इसके अपॉन में जो है उसको भी बराबर ढंग से लिखते, दैट इज sin x into what, सो cos x। नाउ ऑब्जर्व द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर अगर ऑब्जर्व करते हो, सो इट्स इन द फॉर्म ऑफ cos a into cos b प्लस साइन ए इंटू साइन बी विच गिव्स अस द आंसर कॉस ऑफ ए माइनस बी। क्या आंसर देगी हमें, कॉस ए माइनस बी। यहाँ पे ए क्या तो 3x, बी क्या तो x, अपॉन कितना तो साइन x इंटू कॉस x। फिर से सोचो 3x माइनस x कितना हुआ, तो 3x माइनस x हुआ cos ऑफ 2x। अगर यहाँ पे डिवाइडिंग बाय 2 मल्टीप्लाइंग बाय 2 करा दे तो फॉर्मूला बन जाता। ये सब आपको सोचना आने को होना बेटा कि ऐसे सोचा जाए। नाउ सी डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर इन द न्यूमरेटर cos ऑफ 2x एंड 2 sin x into cos x फॉर्मूला फॉर sin 2x, so this gives us answer 2 cot 2x which is our right hand side, जो कि हमारी क्या थी तो right hand side थी। ऐसे ही कुछ results and proof के साथ बढ़ते हैं हमारे question number 10 के तरफ। अभी question number 10 में देखो क्या क्या values है, तो question number 10 में कुछ इस तरीके से देखें। cos sin अभी देखो बेटा सिंपल सी बात है, जब आपके पास cos x है, सिंपल एक एक चीज को समझाती भले, cos of 2 थीटा जब है तो वो आंसर देगा cos square थीटा माइनस sin square थीटा देगा ऐसा आंसर। जब आपके पास cos थीटा है तो आप आधा करोगे यानी cos square थीटा by 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 करोगे, इतना जितना है उसका आधा करोगे। तो जब आपके पास x है तो आप थीटा की जगह पे किसे लिखोगे, तो x को लिखे। दूसरी बात, ये फॉर्मूला को कहीं ना कहीं पे नोट डाउन करना, स्टार्टिंग से बता रही हूँ। साइन ऑफ 2 थीटा जब है तो आंसर बन रहा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, पर वही जब सिंपली साइन थीटा है तो आंसर बनेगा 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाय 2 बना आंसर ऐसा। फिर बात आई कि हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के लिए आइडेंटिटी है 1, तो क्यों ना साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 इसे भी क्या लिख सकते, तो इसे भी लिख सकते 1। और इन्हीं कुछ चिल्लर रिजल्ट के साथ सॉल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10। और देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, सबसे पहले है कॉस एक्स। अभी कॉस एक्स जो है वो हमें क्या रिजल्ट दे रहा बेटा, ये यानी कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 उसके बाद माइनस
साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, फिर अपॉन गए, फिर ये जो वन है इसके लिए भी आंसर है हमारे पास क्या, तो कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, क्या रिजल्ट लिखे जा रहे हैं उस पर फोकस करना। देन साइन एक्स के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है क्या, तो टू साइन एक्स बाय टू इंटू कॉस एक्स बाय टू आ गया। न्यूमरेटर में जो दिया हुआ है बेटा इट्स अ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट मीन्स इट गिव्स एन आंसर कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू। सेकंड कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू अपॉन, डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, फॉर्मूला फॉर ए यानी कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू एंड देन होल ब्रैकेट हैविंग द स्क्वायर। जो जो टर्म काट चार्ट हो सकते हैं उन्हें काट चार्ट कीजिए। सो देखो एक एक कॉस एक्स बाय टू, कॉस एक्स बाय टू गेट कैंसिल, क्या बचा, तो हमारे पास बचा कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू अपॉन कितना, तो कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू। पर क्या आपको ये रिक्वायर्ड है, आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है, तो बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडिंग बाय कॉट के लिए अपॉन में किसका होना जरूरी है, तो साइन का होना जरूरी, यानी डिवाइडिंग बाय साइन एक्स बाय टू। तो देखिए फटाफट से क्या बन गया, कॉस एक्स बाय टू अपॉन साइन एक्स बाय टू, उसके बाद माइनस साइन एक्स बाय टू अपॉन साइन एक्स बाय टू, डिनोमिनेटर कॉस एक्स बाय टू अपॉन साइन एक्स बाय टू एंड प्लस साइन एक्स बाय टू अपॉन साइन एक्स बाय टू। क्या क्या वैल्यूज गए बेटा, ये तो कट गए, कॉस अपॉन साइन कॉट एक्स बाय टू, साइन एक्स बाय टू अपॉन एक्स बाय टू वन, फिर से कॉस एक्स बाय टू अपॉन साइन एक्स बाय टू कॉट एक्स बाय टू एंड प्लस कितना, तो वन। दीज आर सम क्वेश्चंस फ्रॉम अवर एक्सरसाइज 3.3। तो हम लोगों ने कहां तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, अप टू द क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग ऑनवर्ड के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए सभी रिजल्ट अच्छे से करना और प्रैक्टिस करना।